मेघा और रमन की शादी को कुछ साल बीत चुके थे। शादी से पहले मेघा भी जॉब किया करती थी, पर अब जब भी वो अपनी सास को जॉब के बारे में पूछती तो वो भड़क जाया करती थी। जरूरत क्या है तुझे बाहर जाके जॉब करने की? अभी रमन कमा रहा है, तू बस घर में बैठ और मेरी सेवा कर। पर मम्मी जी, मैं आपकी हर बात तो मानती हूँ ना, कभी आप भी मेरी सुन लीजिए। नहीं मतलब नहीं, तू जॉब नहीं करेगी। मेघा की सास अक्सर उससे साफ साफ मना कर देती थी। घर का सारा काम खत्म हो जाने के बाद मेघा अक्सर सोचा करती थी कि वो क्या करे, मुझे कोई ना कोई बिजनेस करना चाहिए। उससे मुझे घर से बाहर काम करने जाने की भी जरूरत नहीं और मैं कुछ पैसे भी कमा लूंगी। बड़ी आई पैसे कमाने वाली, पैसे कमाना इतना आसान होता तो हर कोई बिजनेस डाल के बैठ जाता। बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं बिजनेस करने में, तुझसे ना हो पाएगा। मालती मेघा की हर सोच में रोड़ा डाला करती थी। एक दिन की बात है, मालती और मेघा हॉल में बैठे थे, तभी उनकी पड़ोसन शांति आई। आजा आजा शांति, आज क्या लेने आई है? आज कुछ लेने नहीं आई हूँ, बस मेघा को थैंक यू बोलने आई हूँ। मेघा को थैंक यू? वो क्यों भला? मेघा ने कल मुझे कुछ पापड़ दिए थे। मेरे घर में जो मेहमान आए थे वो मेघा के बनाए हुए पापड़ चाव से खा रहे थे। सारे लोग पापड़ों की तारीफ कर रहे थे। मेघा पापड़ सही में बहुत अच्छे बनाती है। थैंक यू मेघा, थैंक यू। अब मैं चलती हूँ। शांति वहाँ से चली गई और मालती बड़बड़ाने लगी। एक पापड़ ही तो बनाया है, कौन सा पहाड़ तोड़ लिया? पापड़ तो बाजार में भी मिलते हैं। मेरी वो सहेली है ना रीता, उसका तो पापड़ों का बिजनेस है बिजनेस। मालती की ये बात मेघा के दिमाग में अटक गई। पापड़ों का बिजनेस? मम्मी जी, आपकी सहेली की तरह अगर मैं भी पापड़ों का बिजनेस करूं तो? नहीं बिल्कुल नहीं, दिन भर पापड़ बनाएगी तो घर का काम कौन करेगा? मेरी बात तो सुन लीजिए मम्मी जी। मालती ने मेघा के आइडिया को ठुकराया और वो अपने कमरे में चली गई। जब शाम को रमन घर आया तो मेघा ने उससे पापड़ के बिजनेस के आइडिया के बारे में बताया। आइडिया तो बहुत अच्छा है, पर मम्मी जी माने तब ना। माँ को मनाना मुझे अच्छे से आता है, वो तुम मुझ पर छोड़ दो, तुम बस अपने नए बिजनेस की तैयारी में लग जाओ। अगले दिन रमन माँ के आगे पीछे घूमता रहा, वो मालती को मनाने की बहुत कोशिश कर रहा था। बिजनेस करना कोई आसान काम थोड़ी है। पर माँ अगर मेघा कोशिश ही नहीं करेगी तो कैसे पता चलेगा कि वो बिजनेस कर सकती है या नहीं? मैंने कई लोगों के बिजनेस को बनते और डूबते देखा है। वो मैं मानता हूँ माँ, पर आप उसे ट्राई तो करने दीजिए। तू चुप बैठ, तुझसे ज्यादा सावन देखे हैं मैंने, इसका बिजनेस शुरू होते ही बंद हो जाएगा। तो होने दीजिए, आप तो यही चाहती है ना, पर अगर मेरा बिजनेस अच्छा चला तो क्या, चल ही नहीं सकता। तो शर्त लगाइए, अगर मेरा बिजनेस अच्छे से नहीं चला तो मैं आपको मेरा सोने का हार दे दूंगी, पर अगर मेरा बिजनेस चल गया तो घर का सारा काम मैं अकेले करूंगी, लगी शर्त? मालती और मेघा ने शर्त लगा ली। अगले दिन से मेघा पापड़ बनाने में जुट जाती है। जितना भी समय उसे फ्री मिलता वो पापड़ बनाया करती। मेघा के पापड़ के बिजनेस की बात आस पड़ोस में आग की तरह फैल गई। उसकी पड़ोसने उसके पापड़ चखने के लिए उसके घर जाया करती। अरे वाह मेघा, ये तो बहुत कुरकुरे और स्वादिष्ट है, मुझे एक किलो दे दो। ऐसा करते करते मेघा के पापड़ पूरे एरिया में फेमस होने लगे। अब आस पड़ोस की सारी औरतें मेघा से ही पापड़ लेने आया करती थी। मेघा के हाथ में नोटों की गड्डी देखकर मालती भी बदल गई। कोई काम हो तो मुझे भी बता दे, मैं भी तेरी मदद करूंगी। पर मम्मी जी, आपको तो मेरा ये बिजनेस पसंद नहीं था ना? पर अब तूने डाल ही दिया है तो तेरी मदद तो करनी ही पड़ेगी ना। अब से दोनों सास बहू मिलकर पापड़ बनाया करती थी। जैसे ही पापड़ बनते सारे बिक जाते। मेघा के पापड़ इतने फेमस हो गए कि मेघा और मालती का इंटरव्यू लेने एक रिपोर्टर आ गई। मेरी इस बिजनेस की सक्सेस के पीछे मेरी सास है, अगर वो मुझे परमिशन नहीं देती तो आज मेरा ये बिजनेस नहीं होता। तो देखा आपने, ऐसी भी सास होती है जो अपनी बहू की मदद करती है। मालती जी मिसाल हैं।
न्यूज़ में अपनी तारीफ सुनकर मालती का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। अगले दिन उनके घर एक ऑफिसर आया। मैं ABC पापड़ कंपनी से हूँ। वो ठीक है, पर तुम यहाँ क्यों आए हो? आपकी रेसिपी लेने, पापड़ की रेसिपी। वो हम आपको क्यों दें? मैडम, आपकी रेसिपी के बदले हम आपको 1,000,000 रुपए देंगे और ऊपर से प्रॉफिट में 10% शेयर। क्या? मालती और मेघा आपस में खुसफुसाने लग गए। ये पागल है क्या? पापड़ की रेसिपी के लिए 1,000,000 देगा? माँ जी, हमारी तो लॉटरी लग गई। ठीक है, हमें मंजूर है। उस ऑफिसर ने मालती से उसकी रेसिपी लिखवा ली, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया और 1,000,000 रुपए वाला बैग मेघा को दे दिया और वो वहाँ से चला गया। मैंने जिंदगी में कभी 1,000,000 रुपए नहीं देखे। तो अब देख लीजिए। मेघा ने वो बैग खोला और दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। इससे तो मैं एक डायमंड का हार ही ले लूंगी। नहीं, एक क्यों, आप 2 ले लीजिए। बहू के पापड़ के बिजनेस से मालती और मेघा दोनों अमीर बन चुके थे और अब मालती को अपनी बहू के पापड़ों के बिजनेस पर नाज था। मेघा को बचपन से रतौंधी की बीमारी थी। उसे रात के अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं देता था। मेघा के घर पर अगले वीक 16वां लड़का उसे देखने आ रहा था। हर बार मेघा के मम्मी पापा पूरी कोशिश करते कि लड़के के घर वालों को मेघा की रतौंधी के बारे में पता ना लगे, लेकिन किसी न किसी तरह बात खुल जाती और मेघा की शादी नहीं हो पाती। पापा, मेरे लिए इस तरह हर महीने लड़के बुलाना बेकार है। मुझे नहीं लगता कि मेरी शादी हो पाएगी। हर बार लड़के वालों को बुलाना, इतना खर्चा करो और रिजल्ट हर बार वही शादी, फेल फेल फेल। तंग आ गई हूँ मैं। बस एक बार और बेटी, इस बार मैंने पूरी प्लानिंग कर रखी है। लड़के वालों को ना पड़ोसियों से बात करने देंगे और ना किसी रिश्तेदार से। लेकिन पापा, किसी ना किसी दिन लड़के वालों को पता लग ही जाएगा। बेटा, हम तुम्हारी शादी में बहुत दहेज देंगे। एक बार बस शादी हो जाए, उसके बाद तुम चिंता मत करो, किसी न किसी तरह रिश्ता चल ही जाएगा। मेघा के पापा ने लड़के वालों को खूब सुबह ही बुला लिया ताकि रात होने से पहले वो लोग लौट जाएं और मेघा की रतौंधी के बारे में उन्हें कुछ भी पता न लगे। मेघा ऊपर से दिखने में अच्छी भली थी, इसलिए लड़के वालों ने उसमें कोई भी कमी नहीं निकाली। लड़के की सास ने पूछा, भाई साहब, क्या हम आपके पड़ोसियों से बात कर सकते हैं? हमारे पड़ोसी बहुत ही बदतमीज लोग हैं। किसी अच्छे घर से हमारा रिश्ता ना जुड़ जाए, इसलिए वो हमारी बुराई ही करेंगे। इसलिए बहन जी, पड़ोसियों से ना बात करें तो ही ठीक रहेगा। ठीक है भाई साहब, हमारी तरफ से रिश्ता पक्का समझिए, लेकिन शादी से पहले रमन और मेघा की दोस्ती हो जाती तो ठीक रहता। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मेघा बेटा, रमन को अपना नंबर दे दो। मेघा, चलो मेरे साथ, मेरे फ्रेंड की आज बर्थडे पार्टी है। मेरे सारे दोस्त आ रहे हैं, वो भी तुमसे मिलना चाहते हैं। नहीं रमन, मैं नहीं जा पाऊंगी, मेरा पेट ठीक नहीं है। तुम्हारा पेट ठीक नहीं है तो कोई बात नहीं, तुम कुछ खाना मत, सिर्फ मेरे दोस्तों से मिल लेना। अब मेघा के पास साथ न जाने का कोई बहाना नहीं बचा था। ऑटो से उतरने के बाद मेघा को कुछ दूर अंधेरे में चलकर जाना पड़ा। उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। रमन चलता हुआ आगे निकल गया और मेघा ने पीछे आ रहे एक आदमी का हाथ इस धोखे में पकड़ लिया कि वो रमन का हाथ है। मेघा, क्या कह रही हो, मैं यहाँ हूँ। ओह, सॉरी सॉरी। रमन की आवाज सुनकर मेघा रमन की तरफ बढ़ी, लेकिन वो एक खंभे की तरफ चली गई और खंभे से जाकर टकराई। मेघा, इधर आओ, कहाँ जा रही हो? रमन ने मेघा का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ ले गया। रोशनी में आते ही मेघा को दिखाई देना शुरू हुआ, तब उसकी जान में जान आई। उस रात सब ठीक रहा और एक महीने बाद रमन और मेघा की शादी हो गई। ससुराल में मेघा इस बात का विशेष ध्यान रखती थी कि कहीं वो अंधेरे में कभी बाहर ना जाए और एक टॉर्च हमेशा अपनी कमर में चाबी की तरह घुसा कर रखती थी। बहू, तुम्हें कोई खास काम तो है नहीं, बस सारा ध्यान मेरी सेवा में लगाओ। सास की सेवा करना ही तो बहू का धर्म है। जी माँ जी,
मैं आपको अपनी माँ मानकर आपकी सेवा करूँगी। मेघा की सास को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम थी। एक बार जब रमन घर पर नहीं था तो आधी रात को मेघा की सास का ब्लड प्रेशर बहुत लो हो गया। बहू, मेरे साथ अभी डॉक्टर की दुकान पर चलो। उस टाइम घर पर लाइट नहीं आ रही थी और मेघा टॉर्च रखकर कहीं भूल गई थी। मेघा इधर उधर टॉर्च ढूंढने लगी। अरे बहू, क्या ढूंढने में लग गई हो? ताला उस तरफ रखा है, जल्दी से ताला मारो और चलो मेरे साथ। मेघा को बिना टॉर्च के ही अपनी सास के साथ रात में अंधेरे में निकलना पड़ा। रात में कोई सवारी भी नहीं मिली, इसलिए उन दोनों को अंधेरे में पैदल चलकर ही डॉक्टर के क्लिनिक तक जाना पड़ा। मेघा को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो अपनी सास को पीछे छोड़कर बार बार आगे निकल जाती। अरे बहू, कहाँ जा रही हो? मेरे लिए रुको तो सही। मेघा अपनी सास के कहने पर रुक जाती और फिर सास के कदमों की आवाज के सहारे फिर से आगे चल देती। कुछ दूर आगे कीचड़ से भरा गड्ढा था। सास तो आसानी से उससे बचकर निकल गई, लेकिन मेघा उसी गड्ढे में जा गिरी। बहू, क्या अंधी हो गई हो? इतना बड़ा गड्ढा नहीं दिख रहा तुझे? सास ने देखा कि मेघा उठकर खड़ी हो गई, लेकिन गड्ढे से बाहर नहीं निकल पा रही है। मेघा हाथों के सहारे इधर उधर टटोल रही थी। मेघा की सास समझ गई कि मेघा को रतौंधी की बीमारी है और उसे अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं देता। वो गुस्से में मेघा को वहीं सड़क पर छोड़कर चली गई। माजी, आप कहाँ हैं? माजी, माजी आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? मेघा बेचारी सुबह होने तक माजी माजी आवाज लगाती रही और अपने भाग्य पर रोती रही। सुबह होने पर जब मेघा घर पहुंची तो उसका पति और सास गुस्से में आग बबूला हो रखे थे। लड़की, तूने और तेरे बाप ने मिलके हमें झूठ बोला है, निकल जा मेरे घर से। मेघा को अपने ऊपर बहुत रोना आया। वो समझ नहीं पाई अब वो आगे क्या करे। मम्मी पापा को क्या मुंह दिखाऊंगी? उन्होंने इतना खर्चा करके मेरी शादी कराई और मैं अपना भांडा फोड़कर चली आई। मेघा सड़क पर खड़ी होकर रोने लगी। तभी एक कार उसके पास आकर रुकी। उसमें से रमन और उसकी सास निकले। मेघा, हमें बहुत गुस्सा आ गया था, इसलिए हमने तुम्हें घर से निकाल दिया, पर अब माँ और मेरा गुस्सा ठंडा हो गया है। मुझे माफ कर दो रमन, मैं मानती हूँ हमने तुम्हें झूठ बोला, पर मैं और करती भी क्या। रमन और उसकी माँ ने समझ लिया कि मेघा की बीमारी के बारे में उनसे मजबूरी में झूठ बोला गया था और मेघा की बीमारी की वजह से उसका महत्व कम नहीं हो जाता है।